नमस्कार, मैं पूजा शुक्ला, आप देख रहे हैं चेन डिजाइन। नजर आते हैं आज की खास खबर पर। सोशल मीडिया में एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। इस पर लिखा है, सीएम उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे एचआईवी एड्स पॉजिटिव है। यह स्क्रीनशॉट TV9 भारतवर्ष न्यूज चैनल को बताया जा रहा है। सोशल मीडिया में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे के संक्रमण को लेकर कई तरह से कयास लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से शेयर किए जा रहे इस स्क्रीनशॉट को लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यह एक फेक न्यूज है। फैक्ट चेक वेबसाइट फैक्ट हंट ने बताया कि TV9 भारतवर्ष का स्क्रीनशॉट पूरी तरह से एडिटेड है। इसे एडिट किया गया है और इसमें वास्तविक खबर के स्थान पर आदित्य के एड्स संक्रमित होने की खबर को जोड़ दिया गया है। आदित्य ने 20 मार्च को ट्वीट कर COVID-19 से संक्रमित होने की जानकारी दी थी। उनके ट्वीट के बाद मीडिया संस्थानों ने आदित्य के कोरोना से संक्रमित होने की खबर चलाई। TV9 भारतवर्ष के स्क्रीनशॉट उसके द्वारा रिपोर्ट की गई खबर को ही एडिट कर बनाया गया है। TV9 भारतवर्ष ने भी YouTube पर आदित्य के संक्रमित होने की जानकारी देते हुए वीडियो अपलोड किया था। इसके ग्राफिक्स का उपयोग करके आदित्य के एड्स संक्रमण की झूठी खबर बनाई गई। इसमें ओरिजिनल फोटो से कोरोना शब्द हटाकर HIV या एड्स जोड़ दिया गया। फैक्ट हंट के अनुसार वायरल हो रही स्क्रीनशॉट में ऑफिस ऑफ सीट का वाटरमार्क लगा हुआ था, जो किसी का ट्विटर हैंडल है। इस घटना के बाद ट्विटर ने यह हैंडल सस्पेंड कर दिया है। हालांकि आदित्य ठाकरे की HIV संक्रमित होने की झूठी खबरों को चलाए जाना और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाओं को आना बताता है कि अभी भी भारत में एड्स, TB और ऐसी ही संक्रमित बीमारियों को लेकर पूर्वग्रह व्याप्त है। सरकार के अनगिनत प्रयासों के बाद भी ऐसे पूर्वग्रह समाज में लोगों को जकड़े हुए हैं, जिसके कारण इन संक्रमित बीमारियों से ग्रसित लोगों को एक कठिन जीवन जीना पड़ता है। 20 मार्च को आदित्य ने ट्वीट कर कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से भी COVID-19 टेस्ट कराने की अपील की। आदित्य के साथ उनकी माँ रश्मि ठाकरे भी कोरोना संक्रमित है। सोमवार की रात को उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल उन्हें घर में ही आइसोलेशन में रखा गया है। जनवरी 2021 तक कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार गिरने के बाद अब दोबारा इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र, केरल और पंजाब के हैं, जहां भारत के कुल नए संक्रमितों मामलों में से 76 संक्रमण सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 30,000 पार कर चुकी है। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की और खास खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।